जय जोहर संगवारी हो, हमर गरियाबन यूट्यूब चैनल में जम्मो संगवारी मन के स्वागत है। जम्मो संगवारी मन ला दशहरा तिहार के गाड़ा गाड़ा बधाई है। संगवारी हो, आज हमन आए हबन कांदा डोंगर माता कुलेश्वरी दाई के दरबार में। ये जगह गरियाबन ले लगभग 110 किलोमीटर दूर और धुरवा गुड़ी ले लगभग 7-8 किलोमीटर में हावे। संगवारी हो, आज यहाँ देव दशहरा के आयोजन ला करे हे, ता आज हमन हा आप मन ला देव दशहरा के वीडियो दिखाने वाला हावन। तो आप मन हा बने रहो शुरू ले अंत तक हमारी ये वीडियो मा। तो संगवारी हो, आप मन सामने जो पहाड़ी दिखत हो यही हरे कांदा डोंगर, और यह दिखे में तो छोटे लगत है लेकिन बहुत ही ज़्यादा ऊंचा हावे, और ये आप मन देख सकत हो भीड़ धीरे धीरे बढ़त हावे तेला। और ये साइड आप मन गाड़ी मन के संख्या ला देख के अंदाज़ा लगा सकत हो कि यहाँ कितना भीड़ होही। ये साइड तो आप मन ला कार मन हा दिखत हावे, और ये देख सकत हो बहुत ही ज़्यादा गाड़ी हावे। और एला देखो बाइक मन ला देख के आप मन हा और अंदाज़ा लगा सकत हो कि यहाँ कितना भीड़ होही। अभी तो हमन पार्किंग जगह हावन, और धीरे धीरे अभी भीड़ हा और बढ़त जाही। ये क्षेत्र के यहाँ बहुत बड़े देव दशहरा लगते, तो धीरे धीरे आदमी मन हा आवत हावे। चलथन आगे और कुछ कुछ नज़ारा देखे बर। तो संगवारी हो, ये मंदिर है और पूरा मार्केट वगैरह लगे हावे। आगे देख सकत हो आप मन पंडाल वगैरह, ये मंदिर है, यहाँ भी दर्शन करेला जाबो। और आगे आप मन हा देख सकत हो ये पूरा पंडाल वगैरह लगे हावे, बहुत ही ज़्यादा भीड़ हावे, और धीरे धीरे भीड़ हा और ज़्यादा बढ़त हावे। तो थोड़ा देर बाद यहाँ देवी देवता मन आने वाला है। संगवारी हो, आप मन ये भीड़ ला देख के अंदाज़ा लगा सकत हो, ये तो अभी आधा भीड़ हावे, धीरे धीरे और बढ़ी, और पता नहीं और कितना भीड़ हो जाही। गर्मी के कारण हालत पस्त हो गए है, धीरे धीरे भीड़ मन बढ़त जाते। और अभी हमन हाँ जावत हबन डोंगर साइड, अगर जावत बनही डोंगर में चढ़त बनही तो चढ़बो, और आप मल्ला ऊपर से नीचे के नज़ारा ला भी दिखाबो। आप लोग देख सकते हैं कांदा डोंगर, जैसे दशहरा होता है तो एक नियम पहले से ही चली आ रही है कि कांदा डोंगर आना है मतलब इस कांदा डोंगर को चढ़ना है, बट चढ़ाई के लिए जो सीढ़ी है सिर्फ यहीं से करीबन 200 या 400 मीटर तक बना होगा, देन उसके बाद जो सीढ़ी है बना नहीं है, और उससे ऊपर वहाँ तक भी जो लोग हैं चढ़ जाते हैं, लेकिन बहुत रिस्क है, जान जोखिम है, और उनको सेफ्टी को लेकर कोई मतलब किसी भी तरह का सुविधा नहीं है। लोग अपने ही मतलब जिम्मेदारी से जाते हैं तो कभी बड़ा दुर्घटना भी हो सकता है। हालांकि भगवान की कृपा से अब तक ऐसा कोई घटना सामने नहीं आया है। विगत कई वर्षों से कांदा डोंगर की दशहरा चली आ रहा है। यहां पर आप लोग देख सकते हैं भाई सैकड़ों के तादाद की हज़ारों के तादाद पर लोग मौजूद हैं, आसपास के उड़ीसा से या फिर हमारे जो छत्तीसगढ़ बाहर से भी बहुत सारे लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। आप लोग देख सकते हैं किस तरह से कांदा डोंगर की भव्यता है, कांदा डोंगर की सुंदरता है, जो बर्बाशी लोगों को खींचे चले आते हैं लोग कांदा डोंगर दशहरा देखने के लिए, और पूरे साल भर इंतज़ार करते हैं कि कांदा डोंगर का दशहरा कब होगा। और लिहाजा आज जो दिन है वो पहुंच गया है, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कितने दूर दूर से लोग कांदा डोंगर की इस खूबसूरत वादियों को देखने के लिए पहुँचे हैं, हम भी पहुँचे हैं। तो भाई ये है कांदा डोंगर, आप लोग देख सकते हैं, और इसके नीचे जो ठीक नीचे है कुलेश्वरी माता का मंदिर, आप लोग देख सकते हैं। और हम चलेंगे सीधे नीचे और आप लोगों को दिखाएंगे, और भी बहुत सारे हैं कांदा डोंगर में देखने के लिए। संगवारी हो, भीड़ ला देखते हुए हमन हा डोंगरी के ऊपर चढ़ना कैंसिल कर दे हाबन, काबर की बहुत ज़्यादा लेट हो सकत है। तो आगे चलथन मंदिर समिति से या कोई भी पुजारी वगैरह से ये जगह के बारे में जानकारी ला लेथन और आप मन के बीच लाथन। कांदा डोंगर पूरे हमारे 84 गढ़ की देवी स्थल है। यहाँ पूरा 84 ग्रामों की देवी देवताओं के द्वारा यहाँ दशहरा पर्व में उपस्थिति होते हैं, और दशहरा के रूप में पूरे धूमधाम से क्षेत्र के देवी देवताओं के साथ पूरे ग्रामीण उपस्थित होते हैं, और यहाँ दशहरा का पर्व विजयदशमी के दिन मनाया जाता है। यहाँ के क्षेत्र के ग्रामीण लोग चाहते हैं कि यह कांदा डोंगर पर्यटन स्थल हो, पर्यटन में डाइवर्ट हो, शासन प्रशासन से कुछ इसको डेवलप किया जाए,
और यहाँ के लोग बहुत दिनों से त्रस्त हैं कि हमारे कांदा डोंगर कब पर्यटन स्थल में घोषित हो। इसमें कई शासन प्रशासन से पिछले कई वर्षों में आश्वासन भी दिया गया था कि कांदा डोंगर को पर्यटन स्थल बनाया जाएगा, और यहाँ आप देख रहे हैं कुछ सीढ़ी का कार्य भी प्रारंभ हो चुका था, वो आधा अधूरा में लटका पड़ा है। आज ऐसे ही हमारे 84 ग्रामों के मुख्य देवी स्थल ये जो है कई ऐसे कार्य से अधूरा पड़ा है, इसीलिए मैं मेरी तरफ से शासन प्रशासन को अवगत कराना चाहूँगा कि हमारे इस 84 गढ़ की देवधाम कांदा डोंगर देव स्थल को पर्यटन स्थल घोषित करें, और यह शासन प्रशासन से भी अवगत करूँगा कि इसको डेवलप किया जाए। तो संगवारी हो, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो सकत रही से, बहुत सारा मंदिर वगैरह घूमें, कुछ कुछ कॉपीराइट के भी इशू रही से, कावर के देवी भक्ति वाला जसगीत वाला गाना वगैरह चलत रही से, ओकर कारण बहुत सारा चीज़ मैं हाँ आप मल्ला नहीं दिखात हूँ, लेकिन जो जो यहाँ के मेन नज़ारा है ओला मैं हाँ आप मल्ला दिखा दूँ। अब देवी देवता मन के भेंट मुलाकात यानी कि आए के समय हो गए हैं, तो चलथन अब ओकर नज़ारा आप मल्ला दिखात हूँ। आप मध्य भारत के आदमी इंतजार कर रहे हैं।